डब्ल्यूपीसी बोर्ड क्या होता है, डब्ल्यूपीसी बोर्ड और प्लाई बोर्ड में मेन डिफरेंस क्या होता है, डब्ल्यूपीसी बोर्ड को हम अपने प्रोजेक्ट में कहां कहां यूज कर सकते हैं, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को और बन जाइए इंटीरियर चैंपियन, और कदम से कदम मिला के साथ चलिए हमारे विजन के मिशन पे, जो कि है भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। तो दोस्तों, मैंने कई बार देखा है एक होम ओनर कन्फ्यूज़ रहता है कि मैं अलमारी डब्ल्यूपीसी बोर्ड में बनवा लूँ या प्लाई बोर्ड में बनवा लूँ, या वैनिटी किस मटेरियल में बनाऊँ या किचन किस मटेरियल में बनाऊँ। और काफ़ी बार मेरे चैनल पे भी क्वेश्चन आते हैं कि डब्ल्यूपीसी बोर्ड को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे और आपको एक दूंगा स्पेशल गिफ्ट इस वीडियो के एंड में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज़ डब्ल्यूपीसी बोर्ड? डब्ल्यूपीसी बोर्ड क्या है? डब्ल्यूपीसी बोर्ड बना है तीन शब्द से। डब्ल्यू बोले तो वुड, पी बोले तो प्लास्टिक और पॉलीमर, सी बोले तो कंपोजिट। यस, डब्ल्यूपीसी बोर्ड एक इंजीनियरिंग मटेरियल है। ये अल्टरनेटिव है, इनफैक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है प्लाईवुड और HDHMR बोर्ड का। सो डब्ल्यूपीसी बोर्ड एक हाइब्रिड मटेरियल है। इसके अंदर 70% प्लास्टिक बोले तो पॉलीमर होता है, 15% होता है वुड फाइबर और 15% होते हैं अदर केमिकल्स। अब डब्ल्यूपीसी बोर्ड को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये समझने से पहले ये समझते हैं कि डब्ल्यूपीसी बोर्ड के क्या बेनिफिट होते हैं प्लाई बोर्ड के ऊपर, और प्लाई बोर्ड के ऊपर क्या डिसएडवांटेज होती हैं डब्ल्यूपीसी बोर्ड की। सो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डब्ल्यूपीसी बोर्ड इज 100% वाटर प्रूफ, 100% टर्माइट प्रूफ। प्लाईवुड जो होता है वो वाटर रेजिस्टेंस होता है, या HDHMR भी जो होता है वो वाटर रेजिस्टेंस होता है, टर्माइट रेजिस्टेंस होता है, 100% वाटर प्रूफ नहीं होता। जबकि डब्ल्यूपीसी बोर्ड 100% वाटर प्रूफ और 100% टर्माइट प्रूफ भी होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 70% प्लास्टिक है। अब ये इसके यूज़ को इम्पॉर्टेंटली डिफाइन करता है, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट वर्क है वहाँ पे हम डब्ल्यूपीसी बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, डब्ल्यूपीसी बोर्ड का फायर रेजिस्टेंस प्लाईवुड के फायर रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है। मगर एक बात का ध्यान रखिए कि डब्ल्यूपीसी बोर्ड बहुत ग्रेड्स का आता है। जब आप मार्केट में ख़रीदने जाएं, तो अगर आपको फायर रेजिस्टेंस वाला चाहिए तो आप शॉपकीपर से यही बोलिए कि हमें अच्छा डब्ल्यूपीसी बोर्ड दीजिए फायर रेजिस्टेंस के साथ, और उसकी स्पेसिफिकेशन में पढ़ भी लीजिएगा। तीसरा इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन, स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी। सो स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ प्लाईवुड इज़ मच बेटर देन डब्ल्यूपीसी बोर्ड। डब्ल्यूपीसी बोर्ड जो होता है वो अलग अलग ग्रेड में आता है, कम डेंसिटी वाला भी आता है, मीडियम डेंसिटी वाला भी आता है, हाई डेंसिटी वाला भी आता है। तो कम डेंसिटी वाले की स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी तो बहुत ही कम होती है, और हाई डेंसिटी डब्ल्यूपीसी बोर्ड की स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी ठीक ठाक होती है। अब स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी कम होने से क्या होता है? सिंपल सी बात है, अगर स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी किसी बोर्ड की कम है तो हम जब उस पर हिंजेस कसते हैं, चैनल कसते हैं, वो निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए इस सेक्शन में जीतता है प्लाईवुड। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो डब्ल्यूपीसी बोर्ड की स्ट्रेंथ प्लाईवुड की स्ट्रेंथ से कम होती है, यानी डब्ल्यूपीसी जो है वो लोड कम ले सकता है। अगर हम लंबे स्पैन की अलमारी डब्ल्यूपीसी बोर्ड में बनाते हैं तो चांसेस है सामान के वजन के कारण डब्ल्यूपीसी बोर्ड लपक सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं डिटेल में यूजेस वाले सेक्शन में फिर बताऊंगा। तो अब बात करते हैं कॉस्ट की। डब्ल्यूपीसी बोर्ड अलग अलग डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग कॉस्ट का आता है। जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी कॉस्ट ज़्यादा होगी। सिमिलरली प्लाईवुड भी अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग कॉस्ट का आता है। जितनी क्वालिटी अच्छी होगी उतनी कॉस्ट ज़्यादा होगी। अब अगर मैं हाईएस्ट क्वालिटी प्लाईवुड मरीन को कंपेयर करूँ हाईएस्ट डेंसिटी वाली डब्ल्यूपीसी बोर्ड से, तो डब्ल्यूपीसी बोर्ड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड कंपैरिजन, मैं डायरेक्ट अपने दिल से आपको एक कंक्लूजन देना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि हम अपने प्रोजेक्ट पे
WPC कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहला यूज़ हम करते हैं वॉशरूम की वैनिटी बनाने के लिए, और दूसरा यूज़ हम करते हैं यूटिलिटी एरिया की स्टोरेज बनाने के लिए। जी हाँ, किचन के बाहर जो यूटिलिटी बालकनी होती है, वहाँ मेरे सभी क्लाइंट हमसे यूटिलिटी सिंक बनाते हैं, यूटिलिटी काउंटर बनाते हैं, और वो काउंटर हम WPC बोर्ड में बनाते हैं। ऐसा इसलिए है कि WPC बोर्ड 100% वाटर प्रूफ और 100% टर्माइट प्रूफ होता है, तो हम इसको वैनिटी और यूटिलिटी काउंटर में यूज़ करते हैं। अब मेन बात है कि WPC बोर्ड में हम किचन और वार्डरोब क्यों नहीं बनाते हैं। ऐसा इसलिए है कि WPC बोर्ड की स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, स्ट्रेंथ कम होती है, तो जो हम हिंजेस लगाएंगे किचन के अंदर वो जल्दी से निकल जाएंगे, चैनल लगाएंगे वार्डरोब के अंदर वो जल्दी से निकल जाएंगे, साथ ही साथ ये मटेरियल लोड कम ले सकती है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम WPC बोर्ड को अपने इंटीरियर प्रोजेक्ट्स में कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ये भी है कि WPC बोर्ड जो होता है हाई डेंसिटी वाला, वो प्लाईवुड से कॉस्टली होता है। कीपिंग कॉस्टिंग इन माइंड फॉर आवर क्लाइंट, हम अलमारी के अंदर WPC बोर्ड नहीं लगाते हैं। अलमारी यानी वार्डरोब से याद आया, मैं आपको इस वीडियो का गिफ्ट तो दे दूं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वार्डरोब और किचन की इंटरनल डिटेल का। यस, बहुत सारे होम ओनर लोकल कारपेंटर से या लोकल कॉन्ट्रैक्टर से काम कराते हैं जो उनको वार्डरोब की इंटरनल डिटेलिंग के बारे में बता ही नहीं पाते हैं, और मेरी डिज़ाइन टीम एक्सक्लूसिव डिज़ाइन करती है वार्डरोब और किचन की इंटरनल डिटेल का। तो हमने कुछ वार्डरोब और कुछ किचन की डिटेल को कंप्रेस करके आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दिया है, आप जाइए और अपने गिफ्ट को क्लेम कर लीजिए। और अब बात करते हैं टॉप ब्रांड ऑफ WPC बोर्ड। गाइज, वैसे तो मार्केट में बहुत ब्रांड के WPC बोर्ड अवेलेबल हैं, और आप अपनी समझ से उनको देख के या शॉपकीपर की सलाह से भी आप उन बोर्ड्स को परचेज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। बट कुछ ब्रांड आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि पहला ब्रांड ये है इकोसाइट। तो इकोसाइट के भी WPC बोर्ड बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे फ्लोरिस्टा है, फ्लोरिस्टा के भी बोर्ड डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स में आते हैं। इसके अलावा एलस्टोन है, और इसके अलावा सेंचुरी भी WPC बोर्ड्स को निकालता है। आई होप दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि WPC बोर्ड कहाँ पे लगाना चाहिए और प्लाईवुड कहाँ पे लगाना चाहिए। और मेरे से अगर कोई भी मदद, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और एल्स आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे www.dheerajarora.com। जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो में, क्योंकि मकसद सिर्फ इतना सा है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इंटीरियर जरूर कराते रहें। बाय 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 फ्रेंड्स।